हेलो दोस्तों, कॉम्प्यूओपी सॉफ्टवेयर की सीरीज के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कॉम्प्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर के बारे में। कॉम्प्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर क्या है, कॉम्प्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने नए पार्टी नए क्लाइंट को अपने ऐड किस प्रकार से करते हैं, और उसके बाद में कॉम्प्यू जीएसटी के अंदर अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 की रिटर्न को किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। और जब हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं तो अपने पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो हमने जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी की जो भी हमने डाटा एंट्री करी है, वाउचर एंट्री करी है, तो उसी बेस पर हमारा जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी हमारा तैयार होता है। और उसके बाद अपने टैली सॉफ्टवेयर से जीएसटीआर 1 की फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने ये सारी बातें प्रैक्टिकल सीखेंगे कि अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में से जीएसटीआर 1 की फाइल को एक्सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसके बाद में जो हमने टैली सॉफ्टवेयर से जो एक्सपोर्ट हमने करी है फाइल एक्सेल को, उसको कॉम्प्यू जीएसटी के अंदर इंपोर्ट किस प्रकार से करवाते हैं, ताकि हमारा जो टैली वाला डाटा है वो कॉम्प्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आ जाए, हमें मैन्युअली कुछ भी ना लिखना पड़े। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जो टेलीवीजी अकाउंटिंग के साथ साथ कॉम्प्यूओपी सॉफ्टवेयर को भी सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक कंप्लीट देखोगे तभी आप कॉम्प्यू जीएसटी ओपी सॉफ्टवेयर को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को हमारे इस चैनल पर टेली बीजी इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले जैसे अपने कॉम्प्यूओपी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये पूरा सॉफ्टवेयर का जो ग्रुप है इनका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और अपने कॉम्प्यू जीएसटी को ओपन करना है तो ओपन करने के लिए सिंपल अपने डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने ओपन कर दिया तो जो हमारे सॉफ्टवेयर जो डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहे थे वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर अब हमें यहाँ दिखाई देने लग गए। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी है वो अभी हाईलाइट है, जिसका मतलब ये जीएसटी का सॉफ्टवेयर अभी ओपन है। और इसके अलावा अगर हमारी ऑलरेडी पार्टी हमारे जो डीलर हैं अगर ऑलरेडी यहाँ पर ऐड होंगे तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर हमें नया ऐड करना है तो ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऐड है, ऐड मतलब नया आपको जोड़ने के लिए, मॉडिफाई जो आपने बना दिया उसको कोई उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है उसके लिए आप ओके मतलब उसको सेलेक्ट करने के लिए पूरा शो देख सकते हो, मतलब हाल जितने भी आपके पास में क्लाइंट हैं उन सभी को। और उसके बाद में यहाँ पर जो आपको फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो अभी 2024-25 चल रहे हैं तो अपने 2024-25 को यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो नए करने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे, और जैसे अपनों ने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसने स्टेटस पूछ लिया भी जो आप नई पार्टी ऐड कर रहे हो, नया डीलर जो आप ऐड कर रहे हो उसका स्टेटस क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो अपने इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं, यानी कि पर्सनल प्रोपराइटर फर्म है, तो अपने इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले ही हमारा पार्टी को ऐड करने के लिए डैशबोर्ड ओपन हो गया, जहाँ पर हमें उसका डाटा फिलअप करना है। अब यहाँ पर जो स्टार है वो मैंडेटरी है, सबसे पहले आपको कोड यहाँ पर देना पड़ेगा। अब कोड आप कुछ भी दे सकते हो, कंपनी के फर्स्ट 3 नाम 4 नाम 5 नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया MS लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर नेम, नेम के अंदर जो आप कंपनी ऐड कर रहे हो उसका जो प्रोप्राइटर है, उसका जो कैपिटल अकाउंट है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया MLS, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लिख दिया मैंने सुथार। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट के अंदर आपका सबसे पहले जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, रेजिडेंस स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, रेजिडेंस। उसके बाद में आप देख सकते हो बहुत सारा इसके अंदर डाटा है, फादर्स नेम आप लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है, पैन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डाटा आपको लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ शॉर्टकट के अंदर, ताकि अपना एक बार पता चल सके, बाकी आप इनको देख के इजीली आप भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है पार्टी को ऐड करने का, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में जो आपकी कंपनी का जो नाम रजिस्टर्ड है बिजनेस नेम, वो अपने को यहाँ पर लिखना होगा इस बिजनेस नेम के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्मार्ट
MLS के नाम से मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने इसका नाम लिख दिया, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया, कॉन्टैक्ट कौन है। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस, भी आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल का है, होलसेल है, किस टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं होलसेल कम रिटेल। आप अपने अकॉर्डिंग चेक करोगे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई रिटेलर है, होलसेलर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखोगे। अब इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डालना जरूरी होता है। तो मैं एक बार यहाँ पर डेमो के रूप में एक जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पर एक डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आगे अपने चलते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाती है, एड्रेस आ जाता है, बैंक की डिटेल आ जाती है। तो ये सब कुछ आप इजीली बना सकते हो। जैसे अपने कॉन्टैक्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम वगैरह सब कुछ, कॉन्टैक्ट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर उसका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, मतलब बिजनेस का एड्रेस क्या है, रेजिडेंस एड्रेस क्या है, बैंक की डिटेल, एड्रेस वगैरह, टोटल ए टू जेड यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर इसके लिखा हुआ है, वो हमें इसको देख के लिखना होता है। उसके बाद में बैंक की डिटेल भी, अकाउंट है कौन से बैंक के अंदर है वो हमें डालनी होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीधा सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखो हमने जो पार्टी ऐड करी थी उसका नाम यहाँ पर आ गया स्मार्ट MLS, जो हमने जो बिजनेस का नाम दिया था। आप यहाँ पे देखोगे ऊपर आ रहा है डीलर नेम, क्योंकि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उस पार्टी के नाम से। और आगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, जो हमने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया था उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ओपन करने के लिए इस पर सेलेक्ट करके आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, या फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पे अपने क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है पॉपअप का, भी कॉन्टैक्ट नेम फोन नंबर नॉट अवेलेबल, डू यू वांट एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यानी कि एक ना भी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पर दी नहीं थी, उसको एडिट करना है या नहीं करना। अपने इसको कैंसिल करते हैं। तो जैसे अपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास में इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इस डैशबोर्ड का काम क्या रहेगा, भी हमें कंपनी का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे लिखना होता है, जिस डीलर की हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे GSTR 3 भी है, GSTR 1 है, इनवर्ड सप्लाई यानी कि GSTR 2 का रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पर आ गया। उसके बाद सबसे पहले अपने बात करते हैं GSTR 1 को, भी अपने जो अकाउंटिंग करी है GSTR 1 हमने तैयार करी है, उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्पोर्ट किस प्रकार से करवाना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर में से अपने एक GSTR 1 की फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए अपने गो टू पे चलेंगे और यहाँ पर GSTR 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपने पीरियड देते हैं 1/6 से लेके 30/6 तक, यानी कि जून मंथ की अपने को रिटर्न फाइल करनी है। जैसे मैंने जून मंथ को सिलेक्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पर ये टोटल 2225 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू है, 148.50 रुपये 148.50 रुपये टैक्स आ रहा है। तो अपने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, GST रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ अपने बेसिक ऑफ वैल्यू पे क्लिक करेंगे अगर आपके सामने डाटा नहीं आ रहा तो। और जो पहला ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर्ड, इसको यस करेंगे, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये डाटा आपको सारा यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर अपने क्लिक करेंगे। फाइल का फॉर्मेट एक्सेल रहने वाला है और यहाँ पर जो पाथ है फोल्डर का वो यहाँ पर सी प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम के अंदर फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये हमारी फाइल है जो एक्सपोर्ट होगी। अपनों ने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और यस कर दिया। तो ये हमारी GSTR 1 की जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो रही है एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर होगी, ये ओपन भी हो गया फोल्डर हमारा। इसको अपने एक बार फाइल को ओपन करके चेक कर लेते हैं। इनवॉइस, दो इनवॉइस थे, ठीक है। यहाँ पर अपने वापस स्टार्टिंग करते हैं B2B से, मैंने B2B से सिलेक्ट किया। आप यहाँ देखोगे 150 रुपये की 12% वाली वैल्यू आ रही है। B2CS की बात करें तो यहाँ पर 1575 और 500 रुपये की सेल आ रही है, 12% की और 18% की। एक बार अपने यहाँ से भी वेरीफाई कर लेंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो भी 150 रुपये की यहाँ पर B2B की सेल थी और 1575 और 500 रुपये की हमारी अनरजिस्टर्ड की सेल थी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ये ABC ट्रेडर से आई, यानी कि हमारा ये B2B और ये राजस्थान की 12% और 18% की सेल है, ठीक है, बिल्कुल ओके। हमारा एक्सेल फाइल है जो तैयार हुई है, इसको अपने कर देंगे क्लोज यहाँ से। अब अपने क्या करना है, भी हमारा जो कॉम्प्यू GST सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अपने को इस फाइल को इम्पोर्ट करवाना है। अब इम्पोर्ट करवाने के लिए अपने क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई है इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है,
जैसे अपने क्लिक करेंगे तो अब आप अपने डाटा को दो तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, मैनुअली भी लिख सकते हो हाथ से, यानी कि एक एक इनवॉइस की डिटेल आपको हाथ से लिखनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन होता है जो हमने एक्सेल फाइल तैयार करी है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करवा लें। अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की डिटेल सारी आ रही है यहाँ से आप देखोगे तो, ठीक है ना। इसके अंदर अब अपने को करना क्या है, अगर आप मैनुअली लिखोगे तो जैसे टैक्सेबल सप्लाई लिखनी है तो यहाँ पर आपको एक एक नाम यहाँ से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा, फिर पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, सारा डिटेल आपको। मान लीजिए आपके पास 50 B2B के इनवॉइसेज हैं तो ये सारा आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए अपने एक्सेल फाइल को यहाँ से इम्पोर्ट करवा देंगे। हम यहाँ से इसको करेंगे एग्जिट, और इम्पोर्ट कराने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम अदर सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने इम्पोर्ट करवाएंगे तो ये हमारा कुछ प्रोसेसिंग लेगा सॉफ्टवेयर, और इम्पोर्ट करवाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। एक्सेल इम्पोर्ट करवा सकते हैं, डायरेक्ट टैली सॉफ्टवेयर का डाटा अपने डायरेक्टली इम्पोर्ट करवा सकते हैं अगर हमारा टैली सॉफ्टवेयर कॉम्प्यूजिस्टिक के साथ अगर अटैच है, जेसन फाइल है यहाँ पर, इसको अपने एक बार प्रोसेसिंग चलेगी वापिस चलते हैं इसके ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्सेल इम्पोर्ट है, टैली इम्पोर्ट है, बीजी सॉफ्टवेयर का डाटा इम्पोर्ट है, काफ़ी सारी इम्पोर्टिंग के ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन हमें एक्सेल की फाइल को इम्पोर्ट करना है तो हमने एक्सेल इम्पोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं, और यहाँ पर कई ऑप्शन और भी आएंगे भी, GSTR1 कॉम्प्यू GST से है, GSTR1 GST से है, मार्क से है, सेफ से किससे है। तो हमारी बिल्कुल GST सिंपल हमने एक्सपोर्ट करी है सॉफ्टवेयर से, तो इसके लिए हमें GSTR1 GST को सेलेक्ट करना है। चूज फाइल पे चलेंगे और चूज फाइल के अंदर अपने उसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने टैली सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करी थी। ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो एक्सेल फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड के अंदर ये थोड़ा सा टाइम लगा के सॉफ्टवेयर है जो इसको इम्पोर्ट करेगा, और इम्पोर्ट करने के बाद में ये अपने खुद के लेवल पे इस डाटा को चेक करेगा भी आपने जो फाइल एक्सपोर्ट कर रही है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं आ रहा, यानी कि आपकी जो B2B और B2C की जितनी सेल है उतनी सेल आपके टोटल HSN के अंदर आ रही है या नहीं आ रही, कोई डॉक्यूमेंट समरी के अंदर कोई डाटा तो नहीं है। अगर आपका डाटा ये सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। अपने इसको सिंपल यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से भी अपने इसको एग्जिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे अपने एग्जिट पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखोगे जो आपका डाटा था 2225 रुपए का ये यहाँ पर आ चुके हैं टैक्सेबल सप्लाई के अंदर, ठीक है ना। 2225 148.50 का टैक्स, 148 का 50 का टैक्स, ठीक है। अब अगर अपने टैक्सेबल सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका ये इनवॉइसेज आ जाएगा, पार्टी का नाम, ये आ गया स्मॉल कस्टमर यानी कि B2C का कस्टमर, यहाँ पर उसके टोटल टैक्स के अमाउंट कितनी बनती है, इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, और उसका GST का अमाउंट कितना बनता है। तो ये सारा रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा, यानी कि अब इसने क्या किया जो हमारी एक्सेल फाइल थी उस एक्सेल फाइल का डाटा इसने इम्पोर्ट करवा लिया। ये था हमारा एक्सेल के फाइल को GSTR1 के डाटा को इम्पोर्ट करवाना। अब उसके बाद बात आती है हमारी GSTR3B के डाटा को इम्पोर्ट करवाने की। तो इसके लिए अपने यहाँ से इसको करेंगे एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद यहाँ पर समरी रिटर्न्स GSTR3B इस पर अपने क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखोगे इसकी डाटा की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये ब्लैंक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी GSTR3B का जो रिकॉर्ड है वापिस अपने GSTR3B पे चलते हैं। GSTR3B 1/6 से 30 तक, ठीक है। अब यहाँ देखोगे 2225 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है और वही टैक्स है, और ये 37.89 हमारा ITC टैक्स बनता है। तो अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो GSTR2B इसको चेक करवाना होता है भी हमारा जो पोर्टल पे जितना ITC आ रहा है उतना ITC हमने क्लेम किया है या उससे ज़्यादा किया है या उससे कम किया हुआ है। तो अगर आपको करवाना है, अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हो तो अपने मैनुअली भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक विद GSTR1, यानी कि हमने जो GSTR1 के अंदर जो रिकॉर्ड दिया था वो रिकॉर्ड हमें GSTR3B के अंदर भी इम्पोर्ट कराना है, तो यहाँ से अपने डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक करा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से आप मैनुअल भी अपने लिख सकते हैं, इसको देख के मैनुअल भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको लिंक करवाना है तो अपने इस सिंपल लिंक के बटन पर क्लिक कर देंगे,
ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अब थोड़ा सा प्रोसेस लेके जो हमारी GSTR 1 के अंदर जितनी सेल थी उस सेल को यहाँ पर ये इंपोर्ट करा देगा। अभी आप देखोगे इसने इंपोर्ट करा दी 2225 रुपये की और टैक्स के अमाउंट को टैक्स के साथ के कैलकुलेट कर दिया। अब आपको चेक करना है भी ये आपका डाटा मैच है या नहीं है। उसके बाद में एलिजिबल ITC, आपको कितना ITC चाहिए, IGST का आपको कितना IGST लेना है, CGST का कितना IGST आपको लेना है, तो वो डाटा हमें यहाँ पर ITC आपका रिवर्सल कितना है वो आपका डाटा डाल सकते हो। यानी कि सेम वही हमारा जो GSTR 3B के अंदर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो सेम का सेम ही हमारा यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अपने क्या करते हैं भी लिंक विद 2B, अगर 2B के साथ अगर आपने इसको लिंक कर रखा है तो वहाँ पे 2B के अंदर आपका जितना ITC आ रहा है वो सारा का सारा ITC यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी GSTR 3B प्रिपेयर हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ से आप कंपेयर विद GSTR 1 क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंस भी बताएगा भी आपने GSTR 1 के अंदर जो सेल दी थी उतनी GSTR 3B के अंदर भी सेल आ रही है या नहीं आ रही। तो इसने समरी यहाँ पे कंपैरिजन चेक कर लिया भी GSTR 3B की जो रिपोर्ट है वो भी यही है और GSTR 1 की रिपोर्ट है वो भी यही है, टैक्स भी बिल्कुल सेम है। अगर अपन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं फिर अपने को फिर कंपैरिजन करके चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2225 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको चेक करके यहाँ से इसको मैंने अनटिक कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 2235, टैक्स मैंने कर दिया 150 और यहाँ पर भी 150 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब अपने इसको कंपेयर विद GSTR 1 करके करते हैं, ठीक है। अगर अपने इसको कंपेयर करेंगे तो अब यहाँ देखो इसने कंपेयर करके बता दिया भी GSTR 3B के अंदर आपकी रिपोर्ट आ रही है 2235 रुपये की और GSTR 1 के अंदर आ रहे हैं 2225 रुपये का। टैक्स के अमाउंट GSTR 3B के अंदर 150 रुपये की है और GSTR 1 के अंदर जो टैक्स था आपका आउटपुट वो 148 रुपये 50 पैसे का है। तो यहाँ पर आपको ये कंपैरिजन करके बताएगा भी ये आपका डिफरेंस भी आ रहा है। वापस अपने एग्जिट करके इसको GSTR लिंक के साथ इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा बिल्कुल वापस वही आ जाएगा जो हमने GSTR 1 के अंदर जो हमारी सेल थी उसी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आपका डाटा सेट हो जाएगा। वापस अपने एग्जिट पे चलते हैं, GSTR 1 को ओपन करते हैं। अब ये तो था हमारा डाटा सॉफ्टवेयर में से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से डाटा को कॉम्प्यू GST के अंदर इंपोर्ट करवाना। अब बात आती है भी जो GSTR 1 हमने इंपोर्ट करवाई है इसको अब अपने ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। अब ऑनलाइन अपलोड GSTR 1 को करते कैसे हैं इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको जरूर चेक करना। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अभी हमने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करवाने के बाद में इसको ऑनलाइन अपलोड किस प्रकार से करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा जुलाई मंथ की जो हमारी अगस्त मंथ के अंदर जो GSTR 1 जाएगी उसका भी हम पर्टिकुलर एक लाइव वीडियो कॉम्प्यू GST के साथ जरूर बनाएंगे और GSTR 3B का भी हम जरूर बनाएंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अपने किस तरीके से फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से अपने इसको इंपोर्ट करवाते हैं और कॉम्प्यू GST सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।